841 का वर्गमूल कैसे निकालें, बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से। दोस्तों हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को काम में ले रहे हैं। अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और आपका 29, ये प्राइम नंबर है। अब दोस्तों आपको मैं कुछ ट्रिक और नियम बताना चाहूँगा, उनके द्वारा आप अपना कैलकुलेशन कई गुना फास्ट कर सकते हैं। यदि किसी नंबर का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वे नंबर आपके 2 से डिविजिबल रहते हैं, यानी 2 से डिवाइड होगा वो आपका। तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक इसी तरीके से अपना 3 की बात कर लेते हैं, तो अंकों का योग करने पर ये नियम है, इनके द्वारा आप अपना देखिए कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। कैसे होगा कैलकुलेशन फास्ट? अब इस नंबर को देखा है, यूनिट डिजिट देखा, यदि इनमें से नहीं है मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 का नियम लगाया, यदि 3 से नहीं हो रहा है तो फिर 3 को क्रॉस लगा देंगे, ऐसे सीक्वेंस जिससे डिवाइड होगा उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके। तो ऐसे करके मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 13, देखिए आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये संख्या भी आपकी 3 से डिवाइड नहीं होगी। 5 की बात कर लेते हैं, नियम क्या रहता है, इकाई अंक आपका 0 या 5 रहना चाहिए, तो ये नहीं है, 5 से नहीं। ऐसे चेक करते गए हम और 29 तक पहुंच गए। तो इसमें 29 का डिवाइड किया दोस्तों, तो 841 में आप 29 का डिवाइड कर सकते हैं। कितनी बार हो गया दोस्तों? 29 बार डिवाइड हो गया। जितनी बार डिवाइड होता वो उसके नीचे लिखना है। फिर 29 में 29 का डिवाइड किया, कितना 1 आ गया। तो दोस्तों 841 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, 29 गुणा 29। हमें क्या चाहिए इसका वर्गमूल का वैल्यू, तो क्या करना है, 2 समान संख्याओं का पेयर बनाया और उसमें से इसको एक बार यहाँ लिख दिया। तो इस प्रकार से 841 का स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना आ गया, 29 आ गया।